अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे कैपीचिनो कॉफ़ी। ये कॉफ़ी अक्सर हम बाहर पीने के लिए जाते हैं, तो चलिए हम इसे आसानी से मशीन वाली कॉफ़ी आपको घर पे किस तरह बनाएं बताते हैं। एक सादी बताएंगे और एक क्रीम वाली भी कॉफ़ी बताएंगे आपको। अगर आप सादे बीटर की मदद से बना रहे हैं, तो इस तरह का अगर आपके पास बीटर है तो इससे भी आप बना सकते हैं, या फिर इस तरह कि चम्मच से भी आप इसे बना सकते हैं। अगर आप इस तरह के चम्मच से बना रहे हैं तो आपको पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म लेना होगा, और अगर मशीन में बना रहे हैं तो थोड़ा हम थोड़ा गुनगुना पानी लेंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मदद से बना रहे हैं, तो चलिए हम बताते क्वांटिटी। हमने 1/4 कप पानी लगेगा। 1/4 कप हमने कॉफ़ी ली है और 1/3 कप हमने पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहे तो बिना पिसे हुए भी ले सकते हैं। और चुटकी भर नमक लगेगा टेस्ट के लिए। और 1/2 लीटर दूध के हिसाब से बना रहे हैं हम। 4 से 5 कप इसमें बन जाते हैं आराम से। आपको बताते हैं इसे किस तरह से। एक बाउल लेंगे हम, और इसमें सबसे पहले ये जो हमने गर्म पानी लिया था ये डाल देंगे। याद रखिए जो हमने बाउल लिया है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और इसमें फिर हम कॉफ़ी डाल देंगे। फिर इसी में हम ये जो पीसी हुई चीनी ली थी ये भी डाल देंगे। तो चलिए इसे ब्लाइंड करना शुरू कर देंगे। पहले हम स्लो उस पर इसको ब्लाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इसकी स्पीड बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखिए एकदम ठीक हो गया है। जिस तरह हम केक के लिए व्हिपिंग क्रीम को फेंटते हैं उसी तरह से बस हमें इसे फेंटना है। इसे आप 1 महीने तक भी इसे आराम से फ्रीज़र में रखकर इसे तरह के डब्बे में इसको निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और बहुत जल्द बन जाती है कॉफ़ी। बहुत अच्छी लगती है ये बनने के बाद। इस तरह से इसको हम ढक्कन लगाकर अच्छे से रख देंगे। इस तरह से इसे अच्छे से ढक्कन लगाकर रख दे। और बाकी के हम ये दूसरे बाउल में जो हमें लगने वाली है कॉफ़ी उसमें निकाल लेंगे हम, जो हमें अभी बनाने के लिए लगेगी। हमने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसमें थोड़ी सी 1 टेबलस्पून इतनी कॉफ़ी इसमें भी डालेंगे, फिर बाद में कप में भी डालेंगे। हम इसमें शक्कर नहीं डाल रहे हैं। हम जब कप में कॉफ़ी डालेंगे तब हम शक्कर पीसी हुई डाल देंगे। और हमने जो नमक रखा था वो था ये डाल देंगे। और इस तरह का हमने एक हैंड ब्लेंडर ले लिया है, जिससे हम छाछ फेंटते हैं इस तरह का आता है, तो इससे हम इसमें जो झाग होता है कॉफ़ी में इस तरह से इसमें इस तरह ब्लेंड करते हुए इसमें झाग लाएंगे। तो झाग फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि हम जो बाहर कॉफ़ी पीते हैं वो इसी तरह की झाग वाली होती है। देखिए इसमें कितना अच्छे से झाग आ गया है। देखिए ये दूध हमारा अच्छे से ओट गया है। अब इसको हम एक चाय की केतली में निकाल लेंगे, गरम गरम दूध। देखिए कितना अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए हम इसमें ये जो हमने कॉफ़ी बनाई थी कैपीचिनो वो डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच इस तरह से, चलिए अब इसमें हम ये कॉफ़ी वाला दूध डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इसमें कितने अच्छे से झाग आया है और हमारी कॉफ़ी कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी अच्छी बनी है। अब इसमें हम 1 चम्मच शक्कर डाल देंगे। आप शक्कर आपके टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आप शक्कर नहीं डालना चाहते तो इसी आप ऐसे भी पी सकते हैं, ये अच्छी लगती हैं ऐसे भी।
जितनी हमने पहले जो शक्कर डाले हैं, थोड़े से हम और इस पर डाल देंगे। अगर आप और स्ट्रॉन्ग पीना चाहते तो आप 2 से 3 टीस्पून उतने और कॉफ़ी डाल सकते हैं, ये जो हमने बना के रखी। ये हो गई हमारी बिना क्रीम वाली कॉफ़ी। देखिए कितनी प्यारी कॉफ़ी लग रही है हमारी। अब चलिए क्रीम वाली कॉफ़ी भी बना लें। इसमें भी हम हमने ये जो क्रीम डाल के एक आइसिंग बैग जो हम केक के ऊपर डालते हैं वो बैग में इस तरह से डाल दिया था। देखिए हमारी क्रीम वाली कॉफ़ी भी तैयार है। इस पर भी हम थोड़ी सी कॉफ़ी गार्निशिंग कर लेंगे इस तरह से। तो लीजिए ये हमारी कैपेचिनो कॉफ़ी तैयार है, बिना क्रीम वाली और एक क्रीम वाली। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आप इसे घर में बनाएंगे तो आपको खुद लगेगा बिल्कुल ये बाहर जिस तरह मिल पीते हैं हम उस टाइप की बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपकी कैपेचिनो कॉफ़ी कैसे बनी थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करें, और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं आपकी कैपेचिनो कॉफ़ी कैसी बनी थी। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।